नमस्कार, मैं डायरेक्टर ऑफ एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, 2023 अब हमसे दूर हो चुका है और हम आगमन पुनः कहने का मतलब हम आगमन 2024 में कर चुके हैं। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों के लिए। और बता दे दोस्त, इस जीवन में कहा गया है ना, मानुष तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और पत्ता फले यदि गिर पड़े तो बबूरी न लागे डाल। कहने का मतलब यह मानुष का जो तन मिला है यह बार बार नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, पिछले कहने के मतलब बीता हुआ वर्ष में जो भी सपने आपके छूट गए हैं, टूट गए हैं, उसको जोड़ने और पाने और प्राप्त करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको 2024 में पूरी तरीके से शिद्दत से आपको लग जाना है। कहते हैं ना, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आंख कभी भी नम ना हो, कोई दिल किसी का ना तोड़े, कोई साथ किसी का ना छोड़े, बस प्यार का दरिया बहता हो, ये काश 2023 ऐसा हो। तो कहने का मतलब आपके जीवन में 2023 में जो भी रिश्ते जुड़े हों या टूटे हों, उन सभी को जोड़कर आपको 2024 में पुनः आगमन करना है। और अगर आपके जीवन में कई नकारात्मक ऊर्जाएं या कई ऐसे चीजें आई हों जिससे जीवन में काफी उतार चढ़ाव हुआ हो, तो उस चीजों को आपको भूल जाना है और पूरी तरीके से आपको 2024 में पुनः आगमन कर लेना है। तो यही कामना करता हूं और माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपके जो सपने हैं, जो सपने आपके 2024 में दिख रहे हैं, जो मंजिल आपको पाने के लिए ललायित तो हो रही हैं, उस मंजिल तक आप अवश्य पहुंचे, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। और आप लोग पूरी तरीके से विश्वास है कि आप उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे 2024 में। तो इसके लिए आपको एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान से, आपको अभी नहीं, आप एक दो दिन के अंदर आपको सारी टीम के साथ में प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और वह प्रैक्टिस सेट निशुल्क रहेगा। तो सभी भाई बहन उस प्रैक्टिस सेट में हिस्सा ले। और पूरी तरीके से आपको यह दिलासा दे रहा हूं कि अगर उस प्रैक्टिस सेट को आप पूरे मन और तन धन से अगर आप कर लिए, तो दोस्तों बता रहे हैं कि 101% आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे उसी प्रैक्टिस सेट में फंस जाएंगे। तो आपको उस प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है और उसका आंसर आपको देना है। उसका पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं।